पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने फिर डेरे डाल लिए। लाहौर से शेखुपुरा और लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे बंद। फैजपुर से दरखाना तक भी सफर नहीं हो सकेगा। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। एक के बाद एक मुश्किल, मोटरवे पर एमटैक के बगैर सफर ममनू। खिलाफ वर्जी पर 500 रुपए का चालान कटेगा। चालान के लिए बैलेंस लाजमी करार। मोटरवे पुलिस कम बैलेंस रखने वालों के भी चालान काटने लगी। साल भर में कराची में मसला आ रहा है कि हम यूजुअली कराची की जो जनरल नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको बंद करके उसकी गैस घरेलू सार्फिन को फराहम करते हैं, तो इस साल उन्होंने हुक्म इम्तनाई ले लिया सिंध हाई कोर्ट से जाके, यानी स्टे ले लिया है। एलएनजी कार्गोज हमारे नवंबर में कैंसिल हुए थे दो, अभी जनवरी के अंदर एक कार्गो पे हमें शक है, लेकिन हमें बाज़ाब्ता तौर पे उसकी इतला या नोटिफाई नहीं किया गया कि वो आएगा कि नहीं आएगा, उसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर के अवाम अपना बंदोबस्त कर लें, जनवरी में गैस नहीं मिलेगी। वजीर तवानाई हमाद अज़हर ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं एलएनजी का एक और जहाज ताखीर का शिकार है। शक है जनवरी का कार्गो कैंसिल होगा। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस बंद ना हुई तो कराची में घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिलेगी। के खौफ के मारे चुप के बैठे रहे और अपने पाकिस्तान को लुटता देखते रहे। 10,000 का जत्था आता है, दारुल हुकूमत को हिला देता है। मियां साहब को एक कॉल आई है और उन्होंने कहा आइन हुकूमत बनाते हैं। मियां साहब ने अपने साथियों से बात की और कहा नहीं, इमरान खान का जमहूरी हक है क्योंकि उनकी नशिस्तें केपी की असेंबली में ज्यादा है मुस्लिम लीग नून से, उन्हें मौका मिलेगा। अब आप एहसान फरामोश है तो उसका कुछ हो नहीं सकता। नवाज शरीफ के बुगस में रियासत के चूल्हे हिला दी गयी। पैनामा आया तो सारे केस छोड़कर नवाज शरीफ को सजा दी गई। ख्वाजा साद रफीक का पारा हाई। हमजा शहबाज बोले खिलाड़ी ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया। इमरान खान को कटहरे में लाएंगे, सजा आवाम देंगे। पिछले 3.5 सालों में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। आज कौम पूछती है कहां है सस्ती रोटी, कहां है सस्ती चीनी, कहां है एक पाकिस्तान। नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम बनने की खबरें, हुकूमत के आसाफ पर सवार। फवाद चौधरी की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद, कहते हैं नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, कोई बूट आगे नहीं कर रहा। जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। इमरान खान ने रातों रात पीटीआई की तंजीम साजी कर दी। असद उमर तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। परवेज कटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध और कासिम सूरी बलोचिस्तान के सदर। शफकत महमूद को बस्ती पंजाब और खुसरो बख्तियार को जनूबी पंजाब का सदर बनाया गया। सिंध हुकूमत ने कोरोना तरमीमी एसओपी जारी कर दिए। शादी और दीगर तकरीबात की इजाजत इंतजामिया से लेना होगी। खुले मैदान में तकरीबात के लिए मेहमानों की गुंजाइश का तायुन भी इंतजामिया करेगी। इंडोर शादी हॉल के दरवाजे खिड़कियां खोलकर रखना और कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। खांसी नजला जुकाम वाले अफराद तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का कूचा कूचा क्रिसमस के रंग में रंग गया। गिरजा घरों और घरों में रोशनी का सैलाब उमड़ाया। खसूसी इबादात, मुल्को कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गयी। बड़े बच्चे सभी केक और मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देने में मसरूफ रहे। खुश्क सर्दी की छुट्टी, मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो गईं। कोयटा और जियारत में बारिश से मौसम सर्द हो गया। बादल पंजाब बलोचिस्तान और सिंध में मंगल तक बरसेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी से नजारे और हसीन हो जाएंगे। कायनात में इब्तदाई कहकशाएं कैसे वजूद में आई। दुनिया की सबसे ताकतवर और महंगी दूरबीन को खला में भेज दिया गया। स्पेस टेलीस्कोप एक माह के अंदर मदार में पहुंचेगी। वेब जेम्स जमीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर होगी, जो जमीन के चांद से फासले से भी 4 गुना ज्यादा है। दूरबीन दूसरे सैयारों पर जिंदगी के आसार का सुराग भी लगाएगी। अपने ही कॉन्सर्ट में रश, आतिफ असलम हुए बेबस। आलमी शोहरत याफ्ता गुलूकार कराची के ट्रैफिक जाम में फंस गए। आतिफ असलम को बाइक पर सवार होकर कॉन्सर्ट में पहुंचना पड़ा।